चेन खींचने वाले लगातार पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। इसी कड़ी में एरोड्रम थाना क्षेत्र के सोमानी नगर में मोटरसाइकिल सवार दो युवकों ने एक बुजुर्ग महिला का मंगलसूत्र झपट लिया। आरोपी बाइक से आए थे और उन्होंने मास्क लगा रखे थे। शहर में लगातार चेन खींचने की वारदातें हो रही हैं। पिछले एक सप्ताह में ही 5 वारदातों को बदमाश अंजाम दे चुके हैं। इसी कड़ी में सोमानी नगर की गली से जा रही 60 साल की महिला से बाइक सवार दो युवकों ने मंगलसूत्र खींच लिया। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज निकाले हैं। इसमें युवक मास्क और कैप लगाए दिखाई दे रहे हैं। इनकी पहचान की कोशिश की जा रही है। एसीपी राजीव भदौरिया ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज को अन्य थानों की पुलिस से शेयर किया जा रहा है। ये देखा जा रहा है कि कहीं वारदात एक ही गिरोह तो अंजाम नहीं दे रहा। दरअसल ये कल शाम लगभग 6:30 बजे के आसपास का घटनाक्रम है, जिसमें सोमानी नगर के पास की गली में एक 60 वर्षीय महिला उस गली से होकर के जा रही थी और उसी समय दो अज्ञात युवक जो कि मोटरसाइकिल पर सवार थी उनके द्वारा उनके मंगलसूत्र को झपट लिया गया है। पीड़िता की रिपोर्ट पर थाना पर अपराध पंजीबद्ध हुआ है। अभी दो अज्ञात आरोपी इनकी पहचान तो नहीं हो पाई है, लेकिन कुछ फुटेज पुलिस को उपलब्ध हुए हैं जिसमें यह स्पष्ट हो रहा है कि वो मास्क लगाए हुए थे। एक आरोपी कैप भी पहने हुए था। इस पर पुलिस अभी काम कर रही है। कुछ और फैक्ट अभी हम जुटा रहे हैं, क्योंकि इस घटना की रिपोर्ट रात में हुई है, उसके कारण से कुछ और फुटेज जहां हमें उम्मीद है कि मिलेंगे वो रात में हमको उपलब्ध नहीं हो पाए हैं। आज हमें उम्मीद है कि इस पर हम कुछ ठोस साक्ष्य का संकलन कर सकें।